देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तराखंड राजधानी दून में नगर निगम द्वारा पहले से ही स्वच्छता अभियान के तहत सड़क पर कूड़ा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान जोरों पर चल रहा है। नगर निगम के द्वारा सड़कों के साथ साथ खाली पड़े मैदानों पर कूड़ा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य नगर आयुक्त विजय जोगदंड ने बताया कि राजधानी के एक चाइनीज रेस्टोरेंट के द्वारा गाड़ियों में कूड़ा भरकर सचिवालय के निकट मैदान में कूड़ा डाल रहे थे, जिसको नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पकड़कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करा दी गई। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि उनके ऊपर जुर्माना लगाने के साथ साथ 6 महीने की सजा का प्रावधान भी है। 31 जनवरी को रात में हम लोग निरीक्षण पे निकले थे, जिसमें राजपुर रोड पे हम सफाई व्यवस्था भी देख रहे थे और नाइट स्वीपिंग का भी कार्य का जायजा ले रहे थे। साथ साथ हम लोगों ने जो है घंटाघर से लेके राजपुर रोड दिलाराम चौक तक का जो भी अवैध होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर लगे थे उसको भी निकालने का काम हमारा रात में चल रहा है। और इस काम के लिए हमने विशेष रूप से जेब्रा 2 नाम का एक नया फोर्स गठन किया है, जिसमें 10 हमारे कर्मचारी उसमें लगे हैं। साथ में टैक्स इंस्पेक्टर है और हमारा AMNA या फिर SNA रैंक के अधिकारी उसमें एक रहेंगे हर नियमित रूप से। इस टीम द्वारा जो है कल रात को हम लोग जब साफ सफाई का निरीक्षण कर रहे थे, उसमें एक कलसंग नाम का रेस्टोरेंट है, उसकी एक ऑथोराइज्ड गाड़ी था, उसमें काफ़ी सारा कूड़ा लेकर वो आए थे। उसको जो है वो लोग सचिवालय के बगल में बहल चौक के पास एक ग्राउंड है जहाँ पे पार्किंग किया जाता है, उसमें डाल रहे थे। जब वो डाल रहे थे तो उसको हम लोगों ने पकड़ा और उसमें कल रात को पल्टन बाजार कोतवाली में फिर आप FIR किया है। FIR में 6 माह तक की सज़ा है, उसमें 3 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार भी किया है और 25,000 रुपये का प्रति व्यक्ति हमारा जुर्माने का भी प्राविधान है। वर्तमान में अभी हम लोगों ने उसको FIR करके उसको पुलिस थाने में बंद किया है। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।